तो हेलो दोस्तों, हैप्पी कुक विद केसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं बनाने जा रही हूँ खस्ता मठरी, एकदम पर्रदार है और बनाने में बहुत इजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो इसके लिए एक कटोरी मैदा का आटा ले लीजिए। इस जगह पे आप गेहूं का आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने एकदम बड़ा कटोरी एकदम भर के लिया है और नमक ऐड करेंगे। नमक की मात्रा कम ही ऐड कीजिएगा, मठरी में नमक कम ही अच्छा लगता है। एक चम्मच जीरा ऐड करेंगे। अब उसी चम्मच से एक चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे। अच्छे से कुटनी में थोड़ा दरदरा कूट लीजिएगा। अब उसी चम्मच से एक चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे, उसको थोड़ा हाथों से क्रश कर लीजिएगा। क्रश करने पर उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो घी ऐड करेंगे। अगर आप घी नहीं खाते हैं तो रिफाइंड तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने एक कटोरी में 3 चम्मच घी ऐड किया है, एकदम भर भर के, जो खाने वाला चम्मच होता है। अब इसको हाथों से अच्छे से मसल लीजिए। मान लीजिए आप 2 कटोरी आटे का बना रहे हैं तो 6 चम्मच घी ऐड कीजिएगा एकदम भर भर के। और ये बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अगर आपका घी कम है तो टाइट बनेगा आपकी मठरी, अगर हद से ज़्यादा है तो बहुत ही खस्ता बनेगा, जो अच्छा नहीं लगेगा, उसके अंदर तेल भी सोख सकता है। ठीक है, तो इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा और अच्छे से उसको मसल लीजिएगा। आप जितने मसलेंगे आपकी आटा एकदम रफली एकदम हल्का बनता जाएगा। इसकी पहचान ये है, हाथों से दबाकर मुठिया बनाइएगा और इसको जब नीचे छोड़ेंगे तो एकदम वैसे को वैसे गिरेगा। अगर गिराने के बाद बिखर जाता है तो आपको घी डालने की ज़रूरत है। 1 चम्मच घी डालकर अच्छे से मोया फिर से मसल लीजिएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब चलिए इसको गूंथ लेते हैं। 2-2 चम्मच पानी गिराकर गूंथिएगा। एक बार पानी गिराने की गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपकी आटा एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। जब तक कि हमें आटा एकदम हार्ड रखना है, यानी एकदम टाइट आटा मठरी के लिए बनाना है। अगर आप टाइट आटा एकदम बनाते हैं तो वही मठरी आपकी एकदम खस्ता बनेगी। तो इतना टाइट आपको गूंथना है ताकि हम बेलना या चकले पर रख के बेलें तो ना हमारे बेलने में चिपके ना आटा में। ठीक है, तो यहाँ पे गलती नहीं कीजिएगा, आपको एकदम हार्ड आटा टाइट आटा लगाना है मठरी के लिए। मेरे वीडियो को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आपको एक बार, अगर पहली बार मठरी बना रहे हैं तो आपको पहली बार में ही मठरी एकदम परफेक्ट बनाना आ जाएगा कि आप दोबारा मार्केट भी नहीं जाएंगे मठरी खरीदने के लिए। बनाकर डिब्बे में अच्छे से, एयर कंटेनर डिब्बे में बंद कर लीजिएगा और स्टोर कर सकते हैं उसको, सुबह या शाम चाय पे आप खा सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना टाइट हमने आटा गूंथा है, ताकत के हिसाब से ही आप देख लीजिए कितना ताकत लग रहा है। तो आधा गिलास पानी ली थी, उसमें 2 चम्मच बच गया है, तो ज़्यादा पानी नहीं लगा है। देखिए इसकी लुक, जितना चीज़ें इसमें ऐड की हूँ एकदम साफ दिख रहा है। तो इनको रखते हैं 10 मिनट रेस्ट, आप जाइए रेस्ट पर और आगे का काम हम करते हैं। ओके आटा राम, तो चलिए आगे का काम कर लेते हैं, ये हमें आगे काम आएगा उसी मठरी बनाने के लिए। तो इस जगह पे आपको ये बात की ध्यान देना है कि मान लीजिए 2 चम्मच घी ले रहे हैं या रिफाइंड तेल, तो 2 चम्मच ही, जितना आप घी या तेल ऐड करेंगे उतना ही आपको मैदा की आटा ऐड करना है। मान लीजिए आप मैदा की मठरी बना रहे हैं तो मैदा का ऐड करेंगे, और गेहूं के आटे का बना रहे हैं तो गेहूं का आटा ही ऐड करेंगे। ओके, तो ये लिक्विड आपको आगे कम ज़्यादा होगा तो आप उसी हिसाब से बना लीजिएगा। मान लीजिए 1 चम्मच आप घी ऐड कर रहे हैं तो 1 चम्मच ही मैदा, 3 चम्मच घी ऐड कर रहे हैं तो 3 चम्मच मैदा। ओके, तो देखिए इसका लिक्विड इस तरीके से आपको रखना है। तो ये हो गया हमारा 10 मिनट कंप्लीट, तो इसको कुछ 10-11 सेकेंड मसल लेते हैं फिर से।
एकदम आटा फूल चुका है। तो चलिए इसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई वैसा सुविधा है जैसे बड़ा, तो एक ही बार आप बेल को खूब बड़ा सा बना लीजिए। बेलना इसको ऐसा है एकदम पतला, ताकि हमारे जो हाथ की जो फिंगर वगैरह नीचे रखें तो दिखे, इतना पतला आपको ये रोटियां बनानी है। तो आपको जैसा लगे, हमारे पास चकले छोटे हैं तो उस हिसाब से हमने छोटे से पार्ट डिवाइड की हूँ। अब इसी को हम पूरी चकले भर बेल लेंगे और एक बराबर आपको बेलना है, ये ना कि कहीं मोटा कहीं पतला, नहीं, एक बराबर चारों हिस्से चारों ओर से हम एकदम पतला बेलेंगे। और बेलते समय देखिए दोस्तों, अगर आपका आटा अच्छे से गुथा हुआ है तो बेलते समय ना आटा चकले में चिपकेगा और ना ही बेलने में चिपकेगा, ना कुछ लगाकर हमें बेलने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, इतना पतला आपको बेलना है। अब इसी पे जो लिक्विड बनाए थे अच्छे से इसको लगा लेंगे, तो हर जगह लगा लेंगे इसको। अगर आपका लिक्विड कम पड़ता है तो उसी प्रोसीजर से आप फिर दोबारा से बना लीजिएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप घी में ही बनाइए, रिफाइंड तेल में बना सकते हैं, पर यहाँ इस मठरी में या कोई भी मठरी में सरसों का तेल नहीं यूज करिएगा, वो एक्स्ट्रा फ्लेवर वाला चीज़ें तेल नहीं ऐड कीजिएगा। तो अब इसको अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड आपको करना कैसे है, उसको एकदम अच्छे से रोटियां को खींच खींच कर करिएगा, ताकि उसमें हवा ना हो। अगर हवा इसमें अंदर तक चला जाएगा तो थोड़ा बहुत गैप हो जाएगा, तो उससे अच्छा से मठरियाँ नहीं बनेगी, ठीक है। तो अगर हवा गैपिंग हो रही है तो उसको खींचते हुए फोल्ड कीजिएगा। तो चारों तरफ से अच्छे से खींचते हुए फोल्ड कर लेंगे। तो उम्मीद तो है कि हमारी वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। अब इसको अच्छे से दो तीन बार गोल गोल घुमा लेंगे ऐसे ऐसे, ताकि इसमें थोड़ा बहुत हवा की गैप हो तो निकल जाए। अब किनारे के हिस्से को थोड़ा कट कर देंगे, उसको निकाल देंगे, आगे बना लेंगे। और आप एक आकार एक बराबर में कट कर लीजिए। हमने एक इंच रखा है, आप थोड़ा बहुत माइनस प्लस कर सकते हैं, प्लस तो नहीं कर सकते हैं पर माइनस थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अब इसको हम पास से दिखाती हूँ, इसमें लेयर कितना अच्छा लगा है। अब इसको हथेली से हम दबा लेंगे, जिधर से कट किए हैं उसी पे बस दबाएंगे, उसी पार्ट। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, तो देखिए अब इसी पे बस दबा देंगे, कट किए हुए मुंह के तरफ से ही दबाइएगा। अब इसको सारे दबा लेते हैं, इस तरीके से आसान होता है। अब उसको किसी बर्तन में अच्छे से रख के ढक के रखिएगा, ताकि सूखे ना। अब इस चीज़ों को अच्छे से बेल लेते हैं, एकदम पतला बेलना है आपको। तो बेलने के बाद इस पे वही लिक्विड लगा लेते हैं। अब इसको फोल्ड कर लेते हैं, फोल्ड करने के बाद इस पर भी लगा लेते हैं। अब इसको भी फोल्ड कर लेते हैं। अब फोल्ड करने के बाद अगर आपका मन करे तो इसके ऊपर बेलना चला लीजिए, या तो हाथों से ही दबा दीजिए हल्का सा। कोई बेलना चलाना ज़रूरी नहीं है, पर हमने ऐसे यूज कर दिया कि क्योंकि मेरा बच्चा कह रहा मम्मी हमें थोड़ा बड़ा खाना है, तो बड़ा थोड़ा सा कर दीजिए, तो हमने कर दिया इस तरीके से। इस तरीके से भी सही होता है और हाथ से भी। अब इसको फोक से थोड़ा थोड़ा इसमें छेदा लगा देंगे अच्छे से, ताकि हमारा मठरी फूले नहीं और उसमें अच्छे से गैस जाए और अच्छे से पके। एक बार और दिखा देती हूँ।
वही प्रोसीजर आपको करना है। तो हमारा बन गया, सब रेडी हो चुका। अब चलिए गैस ऑन करते हैं, उसमें तेल ऐड करके अच्छे से गरम कर लेते हैं। मेरा तेल गरम हो चुका है। और दूसरी बात है, गैस की फ्लेम को हाई करिएगा। अब फिर डाल लेने के इसमें ऐड करने के बाद दोस्तों मीडियम कर लीजिएगा। अब जैसे इसमें ऐड करेंगे तेल, वैसे ऑलरेडी पहले से ही गर्म है। अब वो धीरे धीरे ऊपर आने लगेगा। जब ऊपर आएगा तो धीरे धीरे अपने खुलते खुलते ऊपर आएगा, ठीक है। आप उसको छड़खानी नहीं कीजिएगा, अपने आप ऊपर आना शुरू हो जाएगा। और ऊपर आ जाएगा तो फिर धीरे से उसको फोल्ड कर, जिससे पलट दीजिएगा, वो अपने आप खुलते हुए ऊपर आएगा, ठीक है। तो हमारी मठरी खुल रही है एकदम और ऊपर आ रही है। यहाँ पे आपकी गैस की फ्लेम को मीडियम करना है। तो सारे मठरी ऊपर आ गए हैं, तो पलट देते हैं इसको। अब आप कहेंगे कि साफ तो दिख नहीं रहा है, पर मैं आपको पास से दिखाऊंगी। आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि हमें भी कुछ वैसी व्यवस्था मिल सके, ताकि एकदम अच्छा दिख सके। तो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए ये अच्छा नहीं दिख रहा है वीडियो, पास से दिखा रही हूँ। तो देखिए कैसे खुल रहा है, इतना अच्छा लगता है यार, इतना अच्छा लगता है कि मैं कैसे बताऊँ। इसीलिए तो वीडियो अपलोड करके आपको दिखा रही हूँ, ताकि मेरे प्यारे सब्सक्राइबर और न्यू सब्सक्राइबर बना सकें। तो हमें ढाई करीब 3 महीने वीडियो बना चैनल बनाए हो गया दोस्तों, पर उतना नहीं रिजल्ट मिल रहा है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, एकदम हमारा अच्छा एकदम कलर आया है, और आप देख सकते हैं कितना लेयर लगा है इसमें। तो एक बार और फ्राई करती हूँ। मैंने बहुत बार फ्राई कर चुकी, क्योंकि फुल वीडियो बनाकर पूरी वीडियो दिखाने लगूँगी एक ही चीज़, तो हमारा 20-25 मिनट हो जाएगा, फिर आप देखेंगे नई वीडियो। इसलिए एक शुरू में दिखाया, फिर लास्ट में दिखा रही हूँ। तो देखिए किस तरीके से दोस्तों ऊपर आ रहा है, देखिए, और खुलते हुए ऊपर आ रहा है। तो हमारा एकदम आटा परफेक्ट बना है, इसीलिए वाओ, बहुत ही टेस्टी लगती है यार। इसको बस मन करता हमेशा खाते ही रह जाए। मेरे बच्चे का एकदम फेवरेट है। देखिए कितना अच्छा लेयर खुल रहा है, जितना हमने लेयर लगाया था दोस्तों, सारा लेयर ही खुल गया। बस छोटी छोटी मठरी बनाते समय बातों को ध्यान देना है। अब मार्केट से मठरी खाना एकदम भूल जाएंगे, क्योंकि मार्केट में मठरी कैसे फ्राई करते हैं, किस तरह कितने तेल ऐड कर फ्राई करते हैं, कितना काले तेल एकदम हो जाता है उसी में फ्राई करके दे देते हैं। हमें तो अपने खुद को भरोसा होता है कि हम कितनी क्लीन से बना रहे हैं, कब बनाते हैं, क्या चीज़ें डाले हैं। तो इसलिए हम आपको सजेस्ट करूँगी, खुद बनाएँ भरोसे के साथ, और अपने परिवार को खिलाएँ, खुद खाएँ और हेल्दी रहें। तो ज़्यादा हेल्दी खाने के लिए आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी उस सीढ़ियाँ मिले जो हर यूट्यूबर को मिलता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे वीडियो को पूरी वॉच कंप्लीट करें, क्योंकि हमें 3 महीना हो गया दोस्तों। अभी हमारा 323 कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हुआ है, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा है दोस्तों। तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करने में हेल्प कीजिए। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मठरी बनी है, बहुत ही टेस्टी है। मैं तो कितनों बार कहूँ, अपनी खुद की तारीफ कम पड़ जाएगी।
तो बस मैं यही आपको बार बार कहूंगी कि एक बार ट्राई जरूर करें। ट्राई करने में क्या जाता है, बहुत सारे सामान ऐसी खराब होती है, पर ट्राई करते हैं, थोड़ी सी एक कटोरी लेकर ट्राई कीजिएगा, आपको हमें पूरा उम्मीद है कि पसंद आएगा। तो तोड़ कर दिखाती हूँ, देखिए कितना खस्ता बना है, थोड़ा सा टच करने पर एकदम फूट जाती है देखिए, और तेल भी अंदर तक नहीं गया है, एकदम तेल नहीं, आपको हम देखिए पूरी खोल कर दिखा रही हूँ। तो प्लीज चैनल को